मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सावन के पहले सोमवार पर आनंदेश्वर मंदिर परमठ में श्रद्धालुओं का सैलाब दिखा और बम बम भोले और हर हर महादेव के जय घोष के बीच यहां पर श्रद्धालुओं ने बाबा आनंदेश्वर के दर्शन किए। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रात से ही परमठ पहुंचने लगी थी और भोर पहर मंगला आरती के बाद जब मंदिर के पट खुले तो महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु घंटों तक लाइन में लगे रहे। भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की गई और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त भी देखे गए। सावन का आज पहला सोमवार है, इस वक्त हम मौजूद हैं आनंदेश्वर मंदिर में। हमारे साथ में कुछ भक्त हैं, ये बताइए कि आप दर्शन कर चुके हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे दर्शन हुए बाबा के और बहुत ही मन को शांति मिली, सुकून मिला हमें यहाँ आकर। और हम हर साल यहाँ मतलब आते हैं, रहते ही हमेशा हर सोमवार को यहाँ आते ही हैं और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आप बताइए कितने समय से यहाँ लाइन पर लगी थी? बहुत टाइम हो गया, एक घंटा तो हो ही गया लगभग उसके बाद, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो गए। और वैसे भी हम तो हर सोमवार आते हैं, हमेशा से आते आ रहे हैं, तो आज सावन का पहला सोमवार था, इस वजह से आज बहुत अच्छे दर्शन हो गए बाबा के। जय हर हर महादेव। जैसे शिव भगवान को सब कुछ पसंद है, बेलपत्र धतूरा उनके मनपसंद, जल सबसे प्रिय, तो उनको जल अर्पण करने से ही सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती हैं। बाकी जैसे शिव भगवान को सब कुछ पसंद है उसी तरह से पूजा की जाती है बस। देखिए ये वो बात है जो साफ तौर पर इनका कहना है कि भगवान शिव को मनाने के लिए सावन के सोमवार जो महत्व माना गया है। अगर हम बेल पत्री की बात करें, चाहे धतूरे की बात करें, चाहे चंदा की बात करें या गंगा जल की बात करें, भगवान शिव के लिए सब चीज़ों का महत्व दिया गया है। अगर इन सब चीज़ों को चढ़ा कर भगवान शिव को पूजा करते हैं तो भगवान शिव कहीं ना कहीं जो भी मनोकामना है वो पूरी करते हैं। ABC न्यूज़।